दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती वन विभाग में निकली है, फॉरेस्ट सर्वेयर के लिए यहाँ पर भर्ती निकली है। सर्वे करने के लिए यहाँ पर मौका है। जी हाँ दोस्तों, केवल 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही बात सैलरी की जाए तो 20,200 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। आयु सीमा 18 से 38 वर्ष है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस भर्ती के लिए आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है और किस जिले में कितनी वैकेंसीज निकली है। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो। बात अगर पोस्ट की जाए तो फॉरेस्ट सर्वेयर की यहाँ पर भर्ती निकली है। वहीं बात नंबर ऑफ वैकेंसीज की जाए तो टोटल 51 वैकेंसीज इसके लिए निकली है। साथ ही साथ यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं क्लास पास होना चाहिए। साथ में देख सकते हो सर्विस लाइन्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 38 वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी कंडीशन इस भर्ती से मैच कर लीजिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बात अगर आयु में छूट की जाए तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। यानी कि आप देख सकते हो कम से कम इसके लिए 18 वर्ष है और SC ST के लिए मैक्सिमम आयु 43 वर्ष है। वहीं बात OBC कैटेगरी के लिए की जाए तो इसके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट इसमें दी गई है, यानी कि 18 से 41 वर्ष आयु सीमा है। बात अगर सैलरी की जाए तो पे लेवल 6 के अंतर्गत इसमें आपको हैंडसम सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5,200 से 20,200 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वहीं बात ग्रेड पे की जाए तो 2,400 रुपये इसमें ग्रेड पे यहाँ पर रखा गया है। बात अगर आवेदन शुल्क की जाए तो जनरल या OBC कैटेगरी को 500 रुपये यहाँ पर शुल्क जमा करना होगा। रिजर्व कैटेगरी को 350 रुपये, EX सर्विसमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, शुल्क जमा करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस आपको नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, आप वहाँ से सिंपली रीड कर सकते हो। बात अगर सिलेक्शन की जाए तो रिटर्न टेस्ट के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले या फिर एग्जाम देने से पहले आप इसका एग्जाम पैटर्न जरूर पढ़ लीजिए और साथ ही साथ सिलेबस को भी आप रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन में आपको डिटेल्स में जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे इसका एग्जाम आएगा। पूरा पैटर्न वहाँ पर दिया गया है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और कितने वहाँ पर आपको इसके लिए टाइम दिया गया है। निगेटिव मार्किंग वगैरह भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो कि रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप इसका ऑफिशियल पोर्टल देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, mahaforest.nic.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है। साथ ही साथ देख सकते हो जिस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन करोगे वो है mahapariksha.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल से आप सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और नोटिफिकेशन की PDF भी आप इसी पोर्टल से कर सकते हो। वही बात अप्लाई मोड की जाए तो आप इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन आप इस पर आवेदन नहीं कर सकते हो। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। वहीं बात इंपॉर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अब भी इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पेज के एंड में आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इससे आप पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, किस डेट में नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड की गई थी वो आप यहाँ से देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो mahapariksha.gov.in, ये इसका पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन करोगे या फिर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ से आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन करने की डेट दी गई है, 14 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन भी आप इसी पोर्टल से कर सकते हो, एडमिट कार्ड वगैरह भी आप इसी पोर्टल से कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिखित परीक्षा के लिए बाकी की जानकारी है वो सब आप इसी पोर्टल से चेक कर सकते हो। यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पर अलग अलग जिले के लिए यहाँ पर दी गई है। बिगर के लिए देख सकते हो, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए आप यहाँ से कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो और अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी यहाँ से आप
चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अमरावती के लिए देख सकते हो, अमरावती के लिए आप यहाँ से पूरी वैकेंसी की जानकारी चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। उसके बाद यहाँ से औरंगाबाद के लिए देख सकते हो, औरंगाबाद के लिए भी यहाँ पर जनरल यूआर एससी एसटी सभी के लिए दी गई। उसके बाद चंद्रपुर के लिए यहाँ से आप वैकेंसी चेक कर सकते हो, धुले के लिए भी आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो, अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में जानकारी दी गई है, गढ़चिरौली के लिए भी आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी इसमें निकली है, कोल्हापुर के लिए भी आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नागपुर के लिए देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करो और उसके बाद ये पीडीएफ चेक कर सकते हो। नासिक के लिए भी इसमें यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी आप पुणे के लिए चेक कर सकते हो, पुणे के लिए भी वैकेंसी इसमें दी गई है। ठाणे के लिए भी आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो, साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो यवतमाल के लिए भी आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो। साथ साथ जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये वैकेंसी की पूरी जानकारी थी। उसके बाद यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो, साथ ही साथ यहाँ से सैलरी देख सकते हो जो हम आपको डिटेल्स में दे ही चुके हैं, 5200 से 20200 है, ग्रेड पे 2400 है। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो 12वीं क्लास पास है। साथ ही साथ यहाँ पर वो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो भी आप देख सकते हो, सर्विस लाइन्स का आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर परीक्षा शुल्क भी आप देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर शुल्क दिया गया है जो हम आपको पहले भी डिटेल्स में बता चुके हैं। ऑनलाइन आप शुल्क जमा करा सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर BHIM UPI से आप सिंपली यहां पर पे करा सकते हो आवेदन शुल्क। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहां पर जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप अप्लाई करने से पहले पूरा रीड कर सकते हो। साथ ही साथ यहां से आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हो जो कि हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। यहां से भी देख सकते हो मराठी के लिए 30 है, अंग्रेजी के लिए 30, सामान्य ज्ञान के लिए 30, बौद्धिक चाचनी के लिए यहां पर 30 है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से सिंपली एग्जाम से रिलेटेड भी पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है वो हम आपको डिटेल्स में बता ही चुके हैं, आपको हमारी वेबसाइट के लिंक पर विजिट करना होगा, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों, यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का टैब भी यहाँ पर दी गई है, जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप डेट देख सकते हो, 25 जनवरी से इस पर स्टार्ट है आवेदन और 14 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट की टैब यहाँ पर भी दी गई है और कैसे फॉर्म भरना है उसके लिए भी यहाँ पर टैब दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर टैब दी गई है, इनको आप इंस्ट्रक्शन ये पूरे दिए गए हैं, इनको आप सिंपली रीड कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, कितने के भी में करने हैं, वो पूरी डिटेल्स आपको हाउ टू फिल फॉर्म की PDF में मिल जाएगी। और साथ साथ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। अगर आपको अब भी इस भर्ती से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।